खबर मुंबई के महेंद्र से। मुंबई के महेंद्र पश्चिम में सामाजिक संस्था विश्व सेवा तीर्थ की ओर से एक सर्व समाज रैली का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारों से लिखी तख्तियों को लेकर सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। वैसे इस रैली में युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग लिया और लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े। पेश है मुंबई के महेंद्र से मैं समझता अग्निश सिंह की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम फारूक कुरैशी है और मैं मुस्लिम जमात महेंद्र का पेश है। विश्व सेवा समिति से कैसे जुड़े आप? हर मंगलवार को इधर भंडारा होता है, मुझे बताया गया मेरे दोस्तों ने कि ऐसा होता है, तो मेरा भी दिल करे कि भाई काम अच्छा होता है तो क्यों हम नहीं शामिल हो, क्योंकि इसमें कोई ये नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है और सर्वधर्म के लोग इसके अंदर है, तो इसका मन नहीं होगा कि ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें और लोगों की सेवा करें। मतलब किस तरह का सेवा करोगे? जो भी सेवा ये लेवे हमसे वो दिलो जान से सेवा करेंगे। चल रहा है ना वो जात पात धर्म का, ये हमको ये समझो ये रैली की एक बुनियाद है, उसको खत्म करना है। जब राम आए थे तो रावण भी आए थे वो युग में, जब श्री कृष्ण आए थे तो कंस भी आए थे, और जब इमाम हुसैन आए थे तो यजीद भी आए थे, लेकिन किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण कंस या यजीद नहीं रखा, राम ही रखा, मोहम्मद ही हसन ही रखा, मोहम्मद रखा, राम रखा, कृष्णा रखा, तो जो दूसरे जो नाम थे वो नहीं रखा, क्योंकि वो लोग सही नहीं थे और जो धर्म पे चले मजहब पे चले उनका ही आज पंचम रहना है। तो हम आज सब धर्म के लोग मिलके ये बुनियाद यहाँ से शुरू किए कि भाई हमको धर्म नाम की चीज नहीं, मजहब नाम की चीज नहीं, रिलीजन नहीं, हम इंसान है, इंसानियत के धर्म पे हमको चलना है, और हमारा ग्रुप नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है और हम यही नारा लगा के चलेंगे कि हम एक है और इंसान है, कोई धर्म के नहीं, हम इंसानियत के चलने वाले लोग हैं, ये हमारा इंटेंशन है। सर ये सर विश्व सेवा समिति, विश्व सेवा समिति क्या करती है? विश्व सेवा क्या करती है बोलेगा तो हम लोग को मेनली एक मैसेज देने को कोशिश कर रहा है, जो पूरा विश्व में युद्ध नहीं शांति चाहिए, उसमें एक एकता का मिशन हम लोग दे रहा है। एकता का मिशन करने के लिए एक हम लोग प्रिंसिपल निकला जो सर्वधर्म समोभाव प्रेम धर्म मनोभाव, प्रेम ही प्रधान धर्म है और उसी में एकता, हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ा होने के लिए, जैसा एक प्रभु सूर्य, एक देश विश्व, एक धर्म प्रेम, एक कर्म सेवा, एक जाति मानव, क्योंकि धरती माता का ऊपर खड़ा है, इसमें उनको एक ही देश है, सबका जननी है, और सूरज देव जिसका कारण से हम लोग खड़ा है, जो हमारा हड्डी जो हम लोग जिसका बलबूते खड़ा है, विटामिन डी उन्होंने ही देता है, इसके लिए सूरज का भी हम लोग ऊर्जा। विश्व हिंदू विश्व सेवा समिति क्या करती है? हम लोग एक सेवा का भाव से, ऐसा बोलना सेवा का भाव से क्या करती है, तो हम लोग मेनली पुअर टैलेंटेड स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन, नेग्लेक्टेड सीनियर सिटीजन के ऊपर काम करता है, उनको जो होता है हम लोग दान करते हैं। कब से कर रही है? हम लोग हर मंगलवार भंडारा करता है, एक लगभग 400 लोग खाता है और उसी में 1.5 साल तक हो गया, अभी कंप्लीट रनिंग चालू है, हर मंगलवार रात से 8 से 9 बजे तक। और आपने जो बोला कितना ये तो शुरू बहुत दिन आगे हुआ, हम लोग 1981 में फिर बम्बई में 2008 से शुरू किया, फिर तो 2008 से कार्यक्रम चालू है, हम लोग एकता का मिशन लेके और विश्व सेवा शांति का संदेश लेके आज ये मिशन शुरू किया। आज ही क्यों रखा है आपने ये? क्योंकि हमारा फाउंडेशन डे 18 अगस्त और संडे पड़ा 19 अगस्त, तो वो उस उपलक्ष्य में हम लोग आज रखा है, उसी का उपलक्ष्य में 19 को रखा है ये संदेश देने के लिए। अगला फिर कभी रखने वाले हो? अगला बोलेगा तो हम लोग हर साल एनुअल तो करता ही हो, फिर भी जैसे हम लोग एक आई कैम किया 2 महीने अप्रैल में, और आगे कुछ भी कार्यक्रम हम लोग कोशिश करता है, क्योंकि हम लोग किसी से मांगता नहीं फंड, जो सामने से आता है उसी से ही करता है, तो जैसे जैसे फंड कलेक्शन होता है ऑटोमेटिकली हम लोग को कोशिश करता है कुछ सेवा देने के लिए। थैंक यू। फोन मचाड़ो, मुझे तो बहुत खुशी हो गई है विश्व सेवा तीर्थ सर्वधर्म शांति के रैली में सहभाग लेने के लिए। मुझे मालूम है एक वर्ष के पहले उसने जो कार्यक्रम रखा था, बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, गरीब लोगों को खाना और जो पुअर लोग रहते हैं उनको भी, जो उनको गरज रखते हैं उनको मदद करने के लिए, वो बहुत
सहाय देते हैं। फादर आपका क्या सपोर्ट है इसमें? उनके साथ मैं हर बार जब मुझे बुलाते हैं तब वहाँ मैं उनके साथ जहाँ उनको जाना है और जहाँ उनको मदद चाहिए गरीब लोगों के लिए तो मैं उनको सहाय कर रहा हूँ। हमारे जो लोग हैं हमारे किस तरह का मदद आप देते हैं? हमारे जो पैरिश के जो लोग हैं वह उनको जो धान्य का हर एक मंगलवार को जो भंडारा वो खाना देता है उसमें हमारे पैरिश में जो लोग हैं वह उनको मदद करते हैं। थैंक यू। से भंडारा चल रहा है यहाँ पाटिल वॉच के यहाँ हर मंगलवार को 8 से 9 के बीच में भंडारा होता है। हर हमारा जो कार्यकर्ता है उसमें सहयोग दे रहा है। हर कोई आदमी इधर जो खड़े हैं वो हर मंगलवार को सेवा देने के लिए हाजिर रहते हैं 8 से 9। कभी कभी बारिश में भी हम लोग ने काम किया है और काफ़ी लोग इधर खिचड़ी का प्रोग्राम करते हैं और खाके भी जाते हैं तो उनको एक आनंद की अनुभूति होती है और हमको भी अच्छा लगता है कि सर्वधर्म के लोग मिल के वो साथ में खाना खाते हैं। उससे कोई बड़ी बात नहीं है, सर्वधर्म संभव। जय विश्व सूर्य। विश्व रैली का जैसे मुझे पता चला इन्होंने एक धर्म को लेके एक नई जंग जो लड़ी है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और उसको लेके इन्होंने जो ये रैली आयोजन किया मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ और मुझे इस काबिल समझा। ये बहुत जरूरी है आज के ज़माने में जिस तरह आप देख रहे हो जात धर्म को लेके इंसानियत का कहीं ना कहीं कत्ल हो रहा है और इस इंसानियत को बचाने के लिए इस रैली का आयोजन किया है तो इसे हमें आगे एक मैसेज के तौर पे ले जाना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म हमारा है। सर्वधर्म शांति रैली के माध्यम से हम ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सबसे पहले हमें इंसानियत का धर्म जात धर्म आपका विश्व प्रेम सेवा इन सब में बड़ा है और हमें इसे आगे ले जाना चाहिए। ऐसी रैली को हम लोग सब इनका साथ दे रहे हैं, विश्व के साथ दे रहे हैं।